तो यार अभी 120 किलोमीटर के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं एकदम। टी ब्रेक ले लिया हमने, तो फाइनली वी आर ऑन चोरला घाट। चोरला घाट स्टार्ट हो चुका है और चोरला घाट पे आ चुके हैं हम लोग। तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और नई सिटी में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं पोंडा में हूँ और पोंडा से करीब करीब 3 किलोमीटर आगे की तरफ आ चुका था रात में 11 बजे। जिन्होंने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा उन्हें पता है कि अभी मैं कहाँ पे था। और शाम को यार मतलब रात को काफ़ी लेट हो गया था तो इस तरफ आया था मैं अपना, और इधर पीछे की तरफ मैंने अपना कैंप सेटअप कर लिया था। यहाँ पर एक हॉल टाइप में था यार, तो काफ़ी अच्छा मतलब रात कट गई थी। और यहाँ से अभी काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है यार, तो अभी मॉर्निंग हो गया है और मॉर्निंग में यार चाय वाय पीते हैं और फिर चलते हैं यार आगे को, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। हम्पी का सफ़र तो लगभग 325 किलोमीटर है यहाँ से, और हुबली अराउंड 150-160 के आसपास है। तो मॉर्निंग का 9 बज रहा है यार, और आज जाइकिंग करना आई थिंक अच्छा टाइम है यार, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर निकल जाओ तो काफ़ी बेटर रहता है। और गाइस ये जो पोंडा है ये थोड़ा हिल टाइप में पड़ता है, मतलब ऊपर की तरफ है यार, गोवा में एकदम एंड में है अपना कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर के, कर्नाटक और गोवा की बॉर्डर के आसपास। तो यार यहाँ पर थोड़ी हल्की सी ठंडक भी थी रात में और टेम्परेचर भी काफ़ी लो था, मतलब ज़्यादा तो नहीं यहाँ, बट फिर भी गोवा के कंपैरिजन में अच्छी खासी ठंड थी, लगभग 22 से 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। तो हल्का सा ठंडा भी था यार और अच्छा माहौल था यार, क्योंकि गोवा में तो काफ़ी गर्मी थी यार। रात में तो लिफ्ट मिली नहीं थी यार, देखते हैं दिन में कितनी मिलती है। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with। तो मॉर्निंग की पहली लिफ्ट मिल चुकी है आज भाई के साथ। भाई का नाम क्या है? किशन भाई के साथ जा रहे हैं यार। अभी निकल चुका हूँ मैं पोंडा से और ऑन द वे हूँ, जहाँ तक भाई जाएंगे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, फिर आगे चलते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with meaning, I'll do what I love till my heart stops beating, I'm feeding this demon, got a taste, can't erase bitterness in my face, work a job every day till your dreams fade away, like a card never change, play the game that we say, I need a break, I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on, I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with meaning, I'll do what I love till my heart stops beating, I'm feeding this demon, got a taste, can't erase bitterness in my face, work a job every day till your dreams fade away, like a card never change, play the game that we say, I need a break। तो यार अभी 120 किलोमीटर के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं एकदम। टी ब्रेक ले लिया हमने, चाय पीते हैं और आगे बढ़ते हैं यार, काफ़ी लंबा सफ़र है अभी। पवन भाई बोलते हैं यार कुछ ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं यार और फिर चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से घाट एरिया स्टार्ट हो जाएगा
और यार धीरे धीरे जाएंगे आराम से यार, तो इसलिए एक ब्रेक लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे को, फिर देता रहूँगा अपडेट में, जंगल दिखाते रहूँगा आपको। तो फाइनली वी आर ऑन चोरला घाट, चोरला घाट स्टार्ट हो चुका है और चोरला घाट पे आ चुके हैं हम लोग, चढ़ाई स्टार्ट हो रही है अब, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यार घाट का मज़ा लेते हुए। और अगर आप भी आए हुबली तो इसी रास्ते से आए यार, वैसे दो तीन डिफरेंट रास्ते हैं गोवा से हुबली यहाँ हम भी जाने के लिए, बट ये जो ओल्ड गोवा वाला रास्ता है ये वाले रास्ते से आना तो आपको अच्छा फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको महावीर नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और नई सिटी में, जो कि कर्नाटक की स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। अभी मैं हूँ हुबली सिटी में। तो यार पवन भाई ने मेरे को मतलब काफ़ी अच्छी लिफ्ट दे दी थी यार, पौंडा सा जब मैं चला था तो करीब करीब 120 या 110 किलोमीटर के आसपास में उनके साथ आया यार, और उनको धारवाड़ तक आना था जो कि हुबली से पहले 10-15 किलोमीटर पड़ता है। तो यार यहाँ पर आ चुका हूँ मैं हुबली, और हुबली से हम्पी यार करीब बहुत ही पास है, तो यहाँ से सोच रहा हूँ ट्रेन से चले जाता हूँ, 2-3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। और आओ हुबली देखते हैं अपन, थोड़ा स्टेशन का व्यू, और कुछ ऐसा व्यू है यार इसका, ये स्टेशन का मेन गेट है और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है यार, काफ़ी अच्छा स्टेशन बना हुआ है, देखिए बाहर से कितना वेल मेंटेन है यार, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch you.